असलम एवरीवान कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप अच्छे से लेक्चर ले रहे होंगे तो आज हम अपने न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज़ जावा स्क्रिप्ट और Um, देखेंगे इसके अंदर के जावा सक्रिप्ट होती क्या है और मजीद इसको बेसिक्स एडवांस की तरफ लेके जाएंगे लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड uh, जावा सक्रप्ट की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले एच टी एम एल और सी एस एस जो है वो कम्प्लीट कर लें क्योंकि जावा सक्रिप्ट जो है हम वेबसाइट में यूज़ करने वाले हैं और वेबसाइट के लिए ज़रूरी है कि आपको एच एम एल और सी एस एस आती हो तो यहाँ पर मैं जो वेबसाइट यूज़ करूँगी वो है W3School थ्री स्कूल यहाँ से हम अपना सारा मटेरियल लेंगे uh, मैं मोस्टली इसके लिए कोई स्लाइड्स वगैरह नहीं बनाती क्योंकि मोस्टली uh, इसका वर्क जो है वो प्रैक्टिकल होता है और बाकी जितनी भी थ्योरी वगैरह की ज़रूरत होगी मैं आपको W3School थ्री स्कूल से ही रिकमेंड करूँगी तो अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जावा सक्रप्ट क्या है जावा सक्रप्ट हमारे पास एक ना बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बेसिकली वेब में यूज़ होती है एंड इट इज़ ईजी टू लर्न लेकिन यहाँ पर मैं एक और मेन पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि जावा सक्रिप्ट जो है ना वो जावा से डिफरेंट है बहुत से बिगिनर्स बहुत से लोग इस बात पर कंफ्यूज़ होते हैं कि क्या जावा सक्रिप्ट और जावा सेम है नहीं ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज हैं जावा स्क्रप्ट जो है हम बेसिकली वेबसाइट वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और जावा जो है वो हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह वहाँ पर यूज़ करते हैं। जावा और भी बहुत सी जगह पे यूज होती है लेकिन हमारा भी मेन कंसर्न जो है वो जावा स्क्रिप्ट के साथ है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे जावा स्क्रिप्ट जो है ना इसके अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसका जो फर्स्ट नेम था वो था मोका ठीक है आ, लेकिन इसको जावा स्क्रिप्ट का नेम इसलिए दिया गया क्योंकि पहले जो है जावा इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई थी यानी कि वो बहुत पॉपुलर थी पहले ठीक है तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो इसलिए इसका नाम थोड़ा तो सा जावा स्क्रिप्ट रखा गया ताकि लोग जावा स्क्रिप्ट को भी यूटिलाइज करना स्टार्ट करें Uh, ये तो इसकी नेमिंग वगैरह होगी तो अब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ बेसिकली आते हैं uh, इसके लिए एडिटर्स जो हैं हम मोस्टली uh, मैं जो यूज़ करूँगी वो इंस्पेक्ट पे जाके ही यूज़ करूँगी लेकिन हम यहाँ पर जिन्होंने ट्राइट सेल्फ दिया होता है जावास्क्रिप्ट का एडिटर वगैरह हम यहाँ पर भी कोडिंग वगैरह कर सकते हैं लाइक यहाँ पर हमने प्रोग्राम्स रन किया uh, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर देखा uh, देखें अगर तो डॉक्यूमेंट डो गेट एलिमेंट बाई आई टी ही क्या है बेसिकली जावा स्क्रिप्ट की गई हुई है तो हम ये एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम किसी भी वेबसाइट किसी भी वेबसाइट को नहीं बल्कि हम जो भी वेबसाइट लाइक हमने एच से जो भी बनाई होती है उसके हम रन करके उसमें हम इंस्पेक्ट में जाके हम चला सकते हैं तो यहाँ पर ऐसा करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स डॉट एच की फाइल बनाई हुई थी और देन मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करती हूँ इसको आ, तो यहाँ पर ये यह हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन होगा यहाँ से हम कंसोल में जाएंगे और अपना बाकी जितना भी जावा सक्रिप्ट का काम है वो स्टार्ट करेंगे मोस्टली हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें टेस्टिंग वगैरह करनी हो जब हमारा कोड सही से ना हो रहा ना हो तो हम यहाँ से चेकिंग वगैरह कर लेते हैं कि हमारे क्या एरर आ रहे हैं जावा सक्रिप्ट के अंदर क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे जो एस टी एम एल सी एस एस जो हैं वो एरर्स नहीं प्रोवाइड करती वो एरर नहीं देती लेकिन जावा सक्रिप्ट जो है ना वो थोड़ी बहुत एरर देती है और वो हमारे यहाँ पर शो हो जाते हैं अगर आप बाकी लैंग्वेज से फेमिलियर हैं सी प्लस प्लस से तो आपके लिए ये आसान होने वाली है जावा सक्रब की जर्नी क्योंकि इसके सिंटेक्सेस और इसमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देती हूँ मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है वार एक्स अब ये वार क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे आ, अच्छा कुछ लोग कहते हैं सेमिकोलन प्रेस कर, एंटर करना चाहिए लास्ट पे और कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए तो इसका ये है कि अगर आप एक ही लाइन में लिख रहे हो सब कुछ तो आ, जो लास्ट वाला है फॉर एग्जांपल मैंने वार एक्स कर दिया वार वाई कर दिया देन वार जी कर दिया तो मैं लास्ट वाले क्या आगे कॉलन जो सेमी कॉलन है वो एंटर नहीं भी करूँगी तो मेरे ये वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर हो गए हैं डिक्लेयर मतलब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है मेमोरी uh, में मैंने एक डिब्बा बना दिया है जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखती वार एक्स वार वाई वार जी तो इसमें प्रॉब्लम थी क्योंकि इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रही मैं कोमा यूज नहीं कर सकती थी तो क्या है कि बताने के लिए कंपाइलर को बताने के लिए इंटरप्रेटर को बताने के लिए कि मेरा एक लाइन मेरी एक लाइन यहाँ पर खत्म हो रही है यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करो इस लाइन को रन करो वार एक्स एक अलग चीज़ है ठीक है वार वाई में अगर अलग लिखती हूँ तो मुझे इनके आगे कोलन लिखने की जरूरत नहीं है वो बता रहा है कोलन के ये एंड ऑफ लाइन है मतलब इसके बाद एक न्यू लाइन एक न्यू चीज का आगाज है ठीक है तो इस वजह से कोलन एंटर करना एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है अच्छा मैंने बहुत दफा डिक्लेयर कर दी है एक चीज को बहुत दफा डिक्लेयर नहीं करते खैर यहाँ पर एक्स की मैंने कोई वैल्यू दे दी है ट्वेंटी फॉर ट्वेंटी फाइव दे दी है तो यहाँ पर यह एक्स ट्वेंटी फाइव आके अब मैं चाह रही हूं कि मैं इसको शो करूँ तो कंसोल लोग करेंगे और उसमें मैं x की वैल्यू शो कर दूंगी तो क्या होगा x की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फाइव अच्छा अब ये तो इधर नज़र आ रही है मैं इधर देखना चाह रही हूँ जहाँ पर हेलो डिफ्यूजन लिखा है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट अच्छा ये जो चीज़ है ना डोक्यूमेंट वाली ये डोम आ जाता है तो इस पर भी मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगी पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखाऊंगी लेकिन क्योंकि लोगों को आ, मुझे खुद बहुत शौक था कि ये कौन सोल में ही क्यों मैं चीज़ देखूँ मैं उधर क्यों नहीं देख सकती जहाँ पर मैंने आ, सब कुछ लिखा है तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स लिखेंगे तो क्या होगा उधर वैल्यू ट्वेंटी फाइव डिस्प्ले हो जाएगी अब इससे क्या हुआ है जो प्रीवियस आउटपुट थी वो ख़त्म हो गई है क्यों हो गई है क्योंकि मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी उस पूरे डॉक्यूमेंट को राइट कर दो एक्स ओवर डाइट कर दिया उसने जितना कुछ भी था वो सब खत्म कर दिया और सिर्फ एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी है ठीक है साइज छोटा कर अच्छा अभी ट्वेंटी फाइव नज़र आ रहा है अगर मैं कुछ और चाह रही हूँ फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि सम के ऑपरेटर्स अच्छा इतना एडवांस नहीं एक साथ जाएंगे हम आहिस्ता आहिस्ता से सीखेंगे ठीक है अब जैसे कि मैंने वेबसाइट्स बता दी हम जावा सक्रिप्ट कैसे लिखते हैं कुछ वेबसाइट्स विज़िट कर लेते हैं मैंने यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स ओपन किए हैं तो मुझे वहाँ से याद आया अच्छा अब यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट बेसी करती क्या है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट किस तरह से ऐड की गई हुई है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आती हैं तो यहाँ पर देखो एक स्लाइड बार शो हो रहा है ये स्लाइड बार किस तरह से ऐड किया गया है जवा स्क्रप्ट के ज़रिए से ऐड किया गया है देखें यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वीडियोस शो हो रही हैं जो कि डायनामिकली ऐड की गई हैं इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर नीचे यहाँ पर जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं लाइक यहाँ पर मैं स्क्रोल अप एंड डाउन करके दिखाती हूँ तो जब मैं इस वीडियो को लाइक स्क्रोल डाउन कर रही हूँ तो देखो यहाँ पर मल्टीपल वीडियोज शो होना स्टार्ट हो गए हैं ये सब काम जो है हम जवा स्क्रिप्ट के ज़रिए से करते हैं तो आने वाली वीडियोज़ में हम इस तरह के और भी एग्जांपल्स देखेंगे और ये सब चीज़ें परफॉर्म करके देखेंगे तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़